चारों तरफ शहनाई बज रही थी और सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन कमरे में अकेली बैठी हुई शकुंतला अपनी दोनों बेटियों के लिए रो रही होती है। आज मेरी दोनों बेटियों की शादी होकर वो अपने घर को विदा हो जाएंगे और उसके बाद मैं अपनी दोनों बेटियों को बहुत याद करूंगी। हे भगवान, ये बेटियों को विदा करना क्यों पड़ता है? मुझे अपनी बेटियों की बहुत याद आ रही है। शकुंतला अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि तभी उसकी दोनों बेटियां उसके कमरे में आती हैं और उसके आंसू पोंछते हुए कहती हैं, अरे माँ देखना फिर से रोने लगी। अरे मैंने कितनी बार समझाया आपको, हम उस घर में जा तो रही हैं लेकिन आपसे मिलने आती रहेंगी। माना कि हमारी शादी हो रही है और हम अगले घर जा रही हैं, लेकिन आप हमारी माँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि शादी करके हम आपको भूल जाएंगे। हम रोज आपको फोन करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और आपसे बात किया करेंगे। शकुंतला अपनी दोनों बेटियों के सिर पर हाथ रखती है और उनसे कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम आ गए घर में जाने के बाद अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझो और सबका अच्छे से ध्यान रखो, लेकिन अपनी माँ को मत भूलना बेटियों। मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पाला पोसा है, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे जाकर मेरा नाम रोशन करो और खुश रहो। शकुंतला की आंखों में आंसू होते हैं और वे दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद में अपनी दोनों बेटियों को विदा कर देती है। कुछ ही देर में वो दोनों अपने पतियों के साथ गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उनकी सास विशाखा गाड़ी से उन्हें बाहर निकालती है और कहती है, अरे अरे कितनी प्यारी बहू है मेरी, चलो चलो अंदर आ जाओ, आज तुम्हारा गृह प्रवेश है हमारे घर के अंदर। विशाखा अपनी दोनों बहुओं को घर के अंदर लेकर आती है और उनका गृह प्रवेश बहुत अच्छे से कराती है। देखते ही देखते शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों अच्छे से रहने लगती हैं। लेकिन एक दिन रिया सारे काम करने के बाद आराम से टीवी देख रही होती है। अरे वाह क्या बात है, इतने सारे काम करने के बाद आराम से बैठकर टीवी देखने का तो मजा ही अलग है। रिया टीवी देख रही थी कि तभी उसकी बहन आरजू आ जाती है और उससे कहती है, जब देखो तुम यहाँ टीवी देखती रहती हो, चलो आज मुझे रिमोट दे दो, मुझे टीवी देखने का बहुत मन कर रहा है, कोई अच्छी सी मूवी देखना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम, अभी मेरा यहाँ पहला सीरियल चल रहा है, पहले मैं अपना सीरियल खत्म करूंगी उसके बाद तुम मूवी देखना। जब देखो तुम ऐसे ही करती हो, हमें दहेज जितना भी मिला है उस पर दोनों का बराबर हक है, लेकिन तुम हो कि सिर्फ और सिर्फ अपना हक ही दिखाती हो, ऐसे कब तक चलता रहेगा? देखो इस टीवी पर जितना हक तुम्हारा है उतना हक मेरा भी है, तो इसलिए तुम अभी चली जाओ और मुझे टीवी देखने दो। नहीं मैंने कहा ना मैं ही देखूंगी। देखते ही देखते दोनों में टीवी को लेकर बहस होने लगती है। वो दोनों टीवी का रिमोट एक दूसरे से छीनने लगती है, कभी आरजू रिमोट अपनी तरफ खींचती तो कभी रिया अपनी तरफ खींचती। तभी वहाँ उनकी सास विशाखा आ जाती है और उनसे कहती है, अरे बहू तुम दोनों ये क्या कर रही हो, अरे बस करो, इतना क्यों लड़ झगड़ रही हो, ये मेरा टीवी है। नहीं नहीं ये मेरा टीवी है। विशाखा किसी तरह अपनी दोनों बहुओं को समझाती है, देखो बहुओं घर में जितना भी दहेज आया वो सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें इस बात पर लड़ने की जरूरत ही क्या है, लड़ना बंद करो और अगर किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रही हो तो दूसरी को थोड़ा सा इंतजार करना ही होगा। विशाखा की बात सुनने के बाद दोनों ही अपना अपना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन आरजू खूब सारी शॉपिंग करके घर लौट आती है, उसे बहुत जोर से गर्मी लगती है जिसके चलते वो एसी ऑन कर देती है। अरे वाह क्या बात है, कितना मजा आ रहा है इस एसी की हवा खाने में, काश ये एसी मेरे कमरे में होता तो रात भर कितना मजा आता। रिया ये सब दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे बाप, इसका मतलब अब मेरी बहन का सारा ध्यान इस एसी के ऊपर है, अगर ये एसी के कमरे के अंदर लग गया तो मुझे तो ठंडी हवा खाने का मौका ही नहीं मिलेगा, ये तो बहुत तेज है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ये एसी तो मेरे कमरे में ही रहेगा। रिया तुरंत अपनी सास विशाखा के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी रात को हमारे कमरे में बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं और आपको तो पता ही है हमारा कमरा गार्डन की तरफ है, जहाँ एक बहुत बड़ी खिड़की है वहाँ से बहुत सारे मच्छर कमरे के अंदर घुसाते हैं, रात भर मैं और पवन जी बहुत बुरी तरह परेशान हो जाते हैं, क्यों ना आप हमारे कमरे में एसी लगवा दो, ठंडक रहेगी तो मच्छर नहीं होंगे। अच्छा बहू ऐसी बात है, चल कोई बात नहीं, मैं एसी वाले को बुलवा लूंगी और हॉल में से एसी हटवा कर तुम्हारे कमरे में लगवा दूंगी। अगले दिन ही जैसे ही एसी वाला आता है वो हॉल में से एसी ले जाकर रिया के कमरे की तरफ ले जाने लगता है, जिसे ले जाते हुए आरजू देख लेती है और अपने मन ही मन सोचती है, मतलब अब मेरी बहन ने एसी पर भी कब्जा कर लिया है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, अगर एसी उसके कमरे में चला गया तो मुझे गर्मी में मरना होगा। वो तुरंत एसी वाले के पास जाती है और कहती है, अरे भाई ये तो तुम किसके कमरे में लेकर जा रहे हो, तुम गलत कमरे में लेकर जा रहे हो, इसे तो मेरे कमरे में लगाना है, चलो मेरे साथ मैं अपना कमरा दिखा देती हूँ। आरजू ऐसा कहने के बाद एसी वाले को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाती है, जिसके बाद वो उस एसी को अपने कमरे में ही लगवा देती है। जब रिया को इस बात की खबर पड़ती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपनी बहन के कमरे में आकर अपनी बहन से कहती है, ये दहेज का जो सामान है इस पर तुम्हारा ही नहीं मेरा भी हक है, अरे कल तक तो तुम मुझे टीवी पर सुना रही थी और अब तुम एसी को अपने कमरे में लेकर आ गई, देखो ये एसी तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, इसे मेरे कमरे में होना चाहिए। देखो बहुत हुआ, हर चीज पर तुम अपना हक नहीं जमा सकती हो, पहले तुम टीवी के ऊपर अपना हक जमा रही थी और अब मैं इस एसी को अपने कमरे में ही लगाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, माँ ने हमें जितना भी दहेज दिया है उस पर हम दोनों का बराबर हक है, लेकिन तुमने तो मुझसे बिना पूछे ही एसी को अपने कमरे में लगवाने के लिए मंगवा लिया,
देखो तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो, तुम जानती हो ना बड़ी मैं हूँ, तो मेरा हक पहले बनता है हर एक चीज पर, इसलिए मैं जो चाहूंगी वही होगा। रिया और आरजू फिर से एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, जिसके चलते उनकी तेज आवाज की वजह से विशाखा की नींद खुल जाती है और उन दोनों के पास वो चलकर आती है। हे भगवान बहुओं, तुम दोनों ने तो हद ही कर दी, जब देखो दहेज के पीछे लड़ती ही रहती हो, क्या तुम्हारी ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी? अपनी सास को बीच में बोलते हुए देख दोनों एकदम से चिल्ला कर कहती है, आप बीच में मत बोलिए माँ, ये हम दोनों की लड़ाई है। अपनी दोनों बहुओं को इतनी ऊंची आवाज में सुनते हुए देख विशाखा को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वो एक आरी लेकर आती है और अपनी दोनों बहुओं के दहेज के सामान को आरी से काटने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे देखते ही आरजू और रिया विशाखा को रोकते हुए कहती हैं, अरे अरे माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? आप इतनी बड़ी आरी से इस एसी को काटने वाली हो? नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत कीजिए और इसे हमारे एसी को मत काटिए, वरना ये किसी भी काम के लिए नहीं बच पाएगा। अरे जब देखो तुम दोनों इस एसी के पीछे लड़ती रहती हो, आज मैं इस एसी के कलेश को खत्म ही कर दूंगी। तुम्हारे दहेज में तुम्हारी माँ ने जितना भी सामान दिया था, आज मैं उन सभी को दो हिस्सों में बांट दूंगी, जिससे एक हिस्सा तुम रख लेना और एक हिस्सा तुम रख लेना, दोनों का दहेज का बंटवारा हो जाएगा। अपनी सास को ऐसी बात बोलते हुए देख आरजू और रिया दोनों ही संकोच में पड़ जाती हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से कहती हैं, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद दहेज के पीछे मैं कभी नहीं लड़ूंगी, मेरी बहन को जो चाहिए वो रख लेगी, कम से कम इसमें मेरी माँ के लिए दिए हुए मेहनत के पैसे और उनके दिए हुए सम्मान की बेकदरी तो नहीं होगी। नहीं माँ जी मुझे भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आज से मैं हर एक चीज को समय अनुसार ही इस्तेमाल करूंगी, ताकि हम दोनों बहनों के बीच कभी लड़ाई ना हो, क्योंकि ये सामान मेरी माँ ने बहुत ही मुश्किलों से जोड़कर हमें दिया था, लेकिन हम ही पागल थे जो इन छोटे मोटे सामानों के पीछे लड़ रहे थे, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। जिसके बाद अपनी दोनों बहुओं की समझदारी को देखते हुए विशाखा अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद उसकी दोनों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अब उनके बीच में दहेज को लेकर कोई लड़ाई भी नहीं होती।